एक्सीडेंट ही समझो, वरना मैं अभी तुम्हारी जगह उसके साथ नहीं डांस कर रहा होता। जो चीजें हैंडल नहीं कर सकती उन्हें मत क्या करो ना। अभी अगर वो लोग फायदा उठा लेते तो? हाँ तो लेने देते ना, आपको इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? आपके लिए तो मैं मर चुकी हूं ना, आप ये सब मुझे क्यों कह रहे हैं? बोलिए, जिन बातों को आप हैंडल नहीं कर सकते ना, उन्हें किया भी मत कीजिए। और वैसे हक उन पे जताया जाता है मिस्टर रघुवीर मल्होत्रा, जिनसे प्यार होता है। जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। और वो आपको मुझसे, तभी तो हक से खींच लाए मुझे वहां से। सबके सामने मेरी बेइज्जती की, मुझसे मेरी प्रेजेंटेशन छीन ली। अब मुझे बोलता है मैं लेजी हूं। अरे दारू पी के पड़ा रहता था जब वो बानी मरी थी, आज वही बेवड़ा मुझे बोल रहा मैं आलसी हूं, मुझे मुझे सिखा रहा है। हर्षित, समझ सकती हूँ बेटा, समझ सकती हूँ जब कोई तुम्हारी जगह लेता है तो कितनी तकलीफ होती है। पर तू तो जानता है ना कि रघुवीर प्रगति को लेकर बहुत ही परेशान है, इसलिए वो ये सब कुछ कर रहा है। बस थोड़ा सा सब्र रख। और कितना सब्र रखूं? आप सब्र नहीं होता है, मैं आपकी वजह से चुप हूं, वरना किसी दिन मेरा हाथ उठ जाएगा उस पे। बस तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से हर बार हमारा खेल बिगड़ जाता है। अब मेरी बात कान खोल कर सुन, अगर तूने ऐसा कुछ भी किया ना तो मेरा ये हाथ तुझ पर उठ जाएगा। हर्षित, इस खेल में हम गुस्से को हथियार नहीं बना सकते हैं, इसलिए अपने सर पर बर्फ रख और मुंह में शक्कर, फिर देखना हमारे सारे काम बन जाएंगे। लेकिन ये सब कब तक करना? तब तक जब तक वो रघुवीर मेरे एहसानों के तले दब ना जाए। तो देख रहा ना, हर रोज मैं वो दवाई दे रही हूं उसे, और जिस दिन वो पूरी तरह से टूट जाएगा तब जाओ जाओ जाकर कंपनी संभालो। और वो उस प्रगति का क्या? हर्षित, हर स्वाभिमानी इंसान की एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है, वो बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हम प्रगति को इस कदर बेइज्जत करेंगे कि वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और वो चली जाएगी इस घर से हमेशा हमेशा के लिए। मैंने कहा ना हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है। हाँ तो यही बात आप डिलीवरी बॉय को कह देते हैं। मिस्टर रघुवीर मल्होत्रा, तुमसे प्यार होता है। आप पार्टी में उन लड़कियों से छेड़ रहे थे, क्यों मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था? कुछ समझ नहीं पा रहा मैं, क्यों उसके बारे में सोच रहा हूं मैं? मुझे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। इनफैक्ट
I should not bother. आपको फर्क पड़ रहा है, इसका मतलब आपके दिल में मेरे लिए अब भी जगह है। हमारा रिश्ता टूटा नहीं है रघुवीर, बस एक छोटी सी दरार आई है जो बहुत जल्द भर जाएगा। क्या ये सर, आपको पराठे पसंद है ना, इसीलिए बनाया। तो क्या पसंद है तो रोज यही खाऊंगा। हमका खाना भी नहीं मिल सकता इस कमरे। वो तो है लिस्टेस। सुबह ऐसी जाएगी तो पूरा दिन कैसे जाएगा? देखा मैं आपने? हर्षित वो परेशान है, उसे थोड़ा सा वक्त लगेगा। खुशी क्या होती है ना, ये तो सब हम भूल ही गए हैं। पता नहीं कब आएगी शांति इस घर में। शांति कौन है मामा जी? अरे शांति बंती को मारो गोली, अब तू आ गया है तो हमारे सबके चेहरे पर खुशी आ गई है। बिन बताए एंट्री मारने की आदत अभी तक गई नहीं। आओ सास। कैसा? फर्स्ट क्लास भाई। अरे पैर नहीं गले मिल बेटा, ये सामान लेकर कहाँ जा रहा है तू? जी जा नहीं रहा, आ रहा हूँ शिफ्ट होने। शिफ्ट होने मतलब? जी यहाँ फैमिली के साथ। ओह काफी दिनों से घर पे अकेले रह रहे के बोर हो गया था, तो सोचा थोड़े दिन फैमिली के साथ रह लूं। रह सकता हूँ ना। अरे बेटा तेरा घर है, जब तक जी करे तब तक रह। रह लो रह लो, ये माली के बेटे के लिए धर्मशाला जो खोली है। नहीं आंटी जी, इस माली के बेटे के लिए ये घर हमेशा फाइव स्टार ही रहेगा। अरे प्रगति तुम यहाँ कैसे? अरे मन में तो लगा था कि हम दोबारा कभी मिलेंगे ही नहीं, लो मिल गए। अरे सास तू प्रगति को कैसे जानता? अरे बड़ी माँ, ये थोड़े दिन पहले मैंने रोड पे पड़ी हुई मिली थी। इसके पति ने इसे घर से बाहर निकाल दिया था, कुछ लोगों ने इस पे अटैक भी किया था, इसीलिए मैं इसे अपने घर ले गया था। उस दिन वही थी मेरे साथ। ना जाने कौन है इसका पति, बावला इंसान होगा जो इतनी खूबसूरत बीवी को अपने घर से निकाल दिया। अरे मेरे को मिल जाए ना ऐसा इंसान तो लट से कूटू उसे, बस एक बार सामने आ जाए। आ गया सामने। क्या कूट? तूने कहा ना सामने आ जाएगा तो लट से कूटेगा, कूटना। मतलब ये तुम्हारा पति? फिर तो कोई बड़ी बात नहीं है जी, क्योंकि गुस्सा तो हमेशा इसकी नाक पे रहता है और झूठ इसकी जुबान पर। समझा नहीं? आदत है झूठ बोलने की, बताया नहीं इसने? ये प्रगति नहीं, ये बानी है। पानी? अरे बावड़ा हो गया के, पानी को मैं नहीं पहचानूंगा। जब एक आई से गिरी थी तो मरी नहीं थी, बस चेहरा बिगड़ गया तो चेहरा बदल लिया। एक्चुअल में बदला लेने के लिए आई थी, धोखा देना इसकी फितरत में। अरे ऐसे सुहाने धोखे तो मैं 100 बार खा सकता हूँ अपनी बेस्ट फ्रेंड पानी के लिए। कैसी हो? लोग धोखेबाजों से दूर भागते हैं, तू गले लगा रहा है। अरे भाई तेरी नाराजगी समझ में आती है, लेकिन मेरा क्या बिगाड़ा है इसने? मेरी तो बेस्ट फ्रेंड है ना। तो पूछ अपनी बेस्ट फ्रेंड से पहले क्यों नहीं बताया कि ये बानी है। अरे हो सकता है कंफ्यूज हो गई हो, इसे लगा हो कि कहीं मैं भी इसे झूठा ना समझ बैठूं। अब साहस ये सारी बातें तो आज ही कर लेगा। नकुल बेटा उसका कमरा तो दिखा दो। जाओ बेटा फ्रेशअप हो जाओ, उसके बाद आ जाओ यहाँ साथ में नाश्ता करते हैं। आओ भाई। चलो अच्छा है साहस भाई इस घर में वापस आ गए हैं तो हर बात बातें हमें हंसाएंगे, शायद रघुवीर भाई भी नॉर्मल हो जाए। अरे मन्नत देखिए खुशी ना आई तुम्हें। साहस तुमने सबको ये क्यों बताया कि तुम नहीं जानते हो कि मैं बानी हूँ, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी चिंता हो रही थी तुम्हारी, इसलिए आया हूँ। देख रहा था कि सब कैसा ट्रीट करते हैं तुम। ना जी ना, देख लिया मैंने पूरी की पूरी क्रिकेट की टीम बनी हुई है और तुम यहाँ अकेली। ऐसे में तुम्हें एक ऑलराउंडर की जरूरत थी, इसलिए मैं आ गया। लेकिन साहस तुम्हारा इस तरह मुझे सपोर्ट करना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा।
और वैसे भी साहस, ये मेरी फैमिली है, रघुवीर मेरे हस्बैंड है। आई एम सॉरी लेकिन मैं हैंडल कर लूंगी, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। हद है जी, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया और तुम। आई नो तुम्हें मेरी फिक्र है, लेकिन यहाँ पे इस तरह पता नहीं साहस, मुझे ठीक नहीं लग रहा। जी आखिरी चीज कौन सी तुम्हें ठीक लगी थी, जब कुछ ठीक है ही नहीं लगेगी कैसे, तो ये भी हो जाने दो, क्या पता मेरे आने से सब कुछ ठीक हो जाए। और वैसे भी मेहमानों को ऐसा ना बगाया जाता। तुम मेहमान नहीं हो साहस, तुम इस फैमिली का हिस्सा हो। ये बात भूल के भी आदित्य आंटी के सामने ना कह देना, उनके लिए तो मैं आज भी माली का लड़का हूँ, देखेंगे तो बोलेंगे जाओ बाहर जाके पौधों को पानी दे दो। हेलो सर, आयु थे? हाँ बोलो, भेज देना। और हाँ, ये अपनों की लड़ाई में ना अपने का साथ होना बहुत जरूरी है, लड़ाई आसान हो जावे, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का दिया था। अब भगवान श्री कृष्ण तो नहीं, सारथी समझ लो, गॉड प्रॉमिस जी, रथ से गिरने नहीं दूंगा। अरे बेटा रघुवीर कहाँ? अब पापा वो भाई एक इम्पोर्टेंट कॉल पे बात कर रहे थे, तो थोड़ी देर में आ जाएंगे। अरे साहस को डिनर पर तो बुलाओ। बुलाने की जरूरत क्या है, जैसे बिन बुलाए घर आ गया वैसे बिन बुलाए डिनर पे भी आ जाएगा। काय होता ही, अच्छा लड़का है हो ना, बरोबर ना? काय हो, ऐसे तो वॉचमैन भी बहुत अच्छा है, उसे घर बुला ले। एक काम करते हैं, उसे भी गेस्ट रूम दे देते हैं। माली का बेटा है, उससे डिस्टेंस रखो, बहुत एहसान है उस पे हमारे। बुआ, माना कि आपने उनकी फाइनेंशियली हेल्प करी, बट पैसों से ही कोई ब्रिलियंट नहीं बन जाता, हार्ड वर्क भी तो होता है ना। सही बात है, तभी तो डॉक्टर बना है, और उसमें कोई घमंड भी नहीं है, दिन भर हंसता और हंसाता रहता है। हो सकता है उसकी संगत में रहकर रघुवीर भी बदल जाएगा। अरे नहीं नहीं मामी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। रघुवीर भाई और सास भाई का एटीट्यूड बिल्कुल अलग है, और वैसे भी रघुवीर भाई बिल्कुल नहीं लाइक करता सास भाई को। अरे कौन है जो मन्ने लाइक नहीं करता? भाई वो एक मेरा ना कॉलेज फ्रेंड है, उसका नाम भी साहस है, मैं नहीं लाइक करता हूँ। अच्छा फिर ठीक है। ये गिफ्ट किसके लिए? जी गिफ्ट नहीं है, प्यार है। आप लोगों ने हमेशा मुझे सिर्फ दिया ही दिया है, इसलिए सोचा इस बार आप लोगों के लिए गिफ्ट ले आऊं। अंकल जी ये आपके लिए। अरे वाह, मेरी फेवरेट म्यूजिक कलेक्शन, तुझे आज भी याद है हा? कैसे भूल सकता हूँ अंकल जी, इन्हीं के साथ तो बड़ा हुआ हूँ। बड़ी माम ये आपके लिए। थैंक यू बेटा। मामा जी। हाँ। नहीं आई, लेकिन रुकिए, पहले मामी जी के लिए। हाँ देता हूँ, ये तुम्हारे लिए। और ये आपके लिए मेरा। अरे वाह, है इस उम्र में भी अपने आप को काफी फिट रखा है आपने, इसलिए आपके लिए स्पॉट वॉच। ये अंडे आपके लिए। क्या है सर? ये गिफ्ट उन गालियों के लिए जो बचपन से लेकर आज तक आपने मुझे दी, उन्हीं की वजह से मुझ में डॉक्टर बनने की जिद पैदा हुई थी। सोने का है? जी आपकी गालियां भी दुआओं से कम नहीं थी, इसलिए सबसे महंगा तोहफा आप ही के लिए। नाइस। बटरिंग की आदत तय नहीं इसके अभी तक। अब अगर ये गिफ्ट सेशन खत्म हो गया तो डिनर कर लें। गुस्सा क्यों हो रहा है भाई, रुक। ये ले, तेरे लिए भी बाबा की सीढ़ी है, देखेगा तो 24 घंटे मेरी तरह मुस्कुराता रहेगा। देख मैं जैसा हूं ना वैसा ठीक हूं, तेरी तरह जोकर बनने का शौक नहीं मुझे। डेविड आना मेरे रूम में ले आओ। जी सिर्फ सीडी से काम नहीं चलेगा इसका, इसको तो लगता है योग शिविर में भेजना पड़ेगा। हाँ फिर तो शिविर के सारे लोग सड़ू बन जाएंगे। वैसे प्रगति खाना नहीं खा रही?
प्रगति को खाना खाना होगा तो आ जाएगी, थाली ले लेके उसके पीछे तो नहीं घूम सकते ना। एक मिनट, अब खाने से क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? खाना क्यों नहीं खाया? वो भूख नहीं लगी इसलिए नहीं खाया। अरे भूख नहीं लगी थी तो बुला लेती, और वैसे भी मैंने कहा था डॉक्टर सिर्फ एक ही बार समझावे, खाना ना खाने से एसिडिटी हो जाती। मैंने शाम को ही खाया था इसलिए भूख नहीं लगी। अरे ऐसे टाइम बे टाइम खाना खाओगी तो पेट में बहुत सारे गैस्ट्रिक इश्यू हो जाएंगे। तुम एक मिनट प्लीज, अब लेक्चर मत देना। बे टाइम खाना खाया तो भूख नहीं लगी, बे टाइम लेक्चर दोगे तो शायद नींद भी नहीं आएगी। चलो ठीक है, माफ किया, गुड नाइट। गुड नाइट।